लग रहा है शादाब एक और पहले मैच खत्म कर देगा, क्योंकि इन लोगों को एक तो रन रेट का बड़ा लगा रहता है, जो इनका मोमेंटम है ये एक तो इस चीज को मैटर करते हैं, और दूसरा ही बोलते हैं हम रन रेट आगे जो मैच अगर हम जीत रहे हो, अगर वो 19 में जीत रहे हो तो हम कोशिश करते हैं 17 में 15 में जीते, तो ये चीज इन दोनों के जहन में होगी कि इसी पेयर के थ्रू ये एक डेढ़ ओवर पहले मैच खत्म कर दें, ताकि हमें कहीं ना कहीं, जबकि पहला मैच है, मगर वही वाली बात है ना कि आपको मोमेंटम अच्छा मिलता है कि हमने 8 विकेटों से जीता, 17-18 ओवर में मैच फिनिश कर दिया, ऑलमोस्ट 200 रन चेस किए, और इतनी मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलिंग फास्ट बॉलिंग जो है वो अभी इन्हीं की है, और इस तरह का धचका। तो तनवीर आप कैसे देखते हैं बॉलिंग में? मुझे लाहौर कलंदर्स बहुत हल्की नजर आई, जिस तरह हम शाहीन शाह अफरीदी पर रिलाय कर रहे थे, जमान खान पर, वो जहांदाद को इन्होंने खिलाया, लेकिन और हारिस रऊफ वो बॉलिंग नजर नहीं आई अब तक। देखिये पहले तो वो जो इसने शादाब ने टॉस जीता वो तो कामयाब हो गए उसमें कि उन्होंने, लेकिन जो रिकॉर्ड यहाँ रहा है, देखिये ये एक चीज इस्लामाबाद आपको यहाँ क्लियर कर दूं, उनका क्लियर कॉन्सेप्ट दिखता है लाहौर का सिवाय इस टीम का, वो बोलते हैं हम अपनी बॉलिंग पे खेलते हैं, हम बैटिंग करेंगे, पहले वो शाहीन आफरीदी से भी ये कहा था अगर वो टॉस जीतते, इसमें इसमें आप ये भी इनको ये अब चले गए हैं कि ये भी सेकंड, इन दोनों का जब भी आपस में मैच हुआ है तो सेकंड जो जीतने वाली टीम है ये ज्यादा हो गई है, इस्लामाबाद ने ज्यादा जो है वो जीता है, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल दो इस्लामाबाद छोड़े, आप लाहौर का अगर रिकॉर्ड देखें गद्दाफी स्टेडियम का, 40 में से 26 मैचेस जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो जीती है, और गुज़िश्ता अगर पीएसएल का रिकॉर्ड देखें पीएसएल 8 का, तो उनमें 9 में से 8 मैचेस जिस टीम ने पहले खेले वो जीती है बैटिंग की है। अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि लाहौर का आपको देखा ना उनकी वो सेकंड उसमें चेज नहीं करने दे रहे थे, वो भी मोमेंटम लेके वो चल रहे थे कि जी हम क्या बोलते हैं हम रन चेज नहीं करने देते इसीलिए हम पहले बैटिंग करेंगे। शादाब की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ऐसी बैटिंग की है पाकिस्तान टीम में जब खेलते हैं वहां क्यों नहीं होती इन लोगों से वहां, अब आप देखिए यहाँ पे कौन से नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तीसरे पे वन डाउन है, ठीक है उधर जाएंगे नीचे पे बैटिंग करेंगे, फिर कहीं ना कहीं होगा थोड़ी करेंगे, उनको तो भेजा जाता है ना, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है ना, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं है उनको पाकिस्तान टीम में, चले आप नीचे भी बैटिंग करते हैं, मेरा सिर्फ सवाल इनसे ये होता है कि भाई ये असल में आके सारे हीरो बनते हो, नीचे पाकिस्तान टीम में जाके बिल्कुल इनसे बल्ले पे बॉल ही नहीं रखती। मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड भी खेलते हैं या जब कहीं और भी, जब हमारे बैट्समैनों को ज्यादा रन चाहिए होते हैं, 10 रन या 11 रन का इकोनॉमी होता है, आपने देखा है कि वो बाउंसर स्लो वन बाउंसर तेज बाउंसर आ जाते हैं हमारे बॉलर बैट्समैनों को कि इनसे इतनी आसानी से खेला नहीं जाएगा, तो ऐसी विकेटों पे जहां पे बहुत अच्छे बल्ले पे बॉल आती है वहां पे आप स्लो बाउंसर तेज बाउंसर पे अगर आप जाएं वो इतनी आसानी से हिट नहीं लगेगी। सही सही, अब 5 रन रह गए और अभी 15 गेंदें व्हाइट बॉल हुई है, तो 5 रन अब 15 गेंदों पर, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि एक आध गेंद में मैच खत्म है सर, और फिर नेट रन रेट भी आखिर में काउंट होगा ना, जब 6 टीमों में से 4 टीमें, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जब बात की थी और आखिर में भी वो जो बॉटम की 2 टीमें थी ना वो 2-3 हो गई थी सिर्फ एक मैच गंदा खेलने की वजह से, तो वही चीज इन लोग के जहन में होती है बड़ी क्लियर के इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन ऐसी करें अगर कोई मैच फिनिश कर रहा हो तो हम जल्दी फिनिश करें। सही, तो याद होगा आपको लास्ट पीएसएल में क्वेटा की एक मैच की मिस्टेक से वो कहाँ चले गए। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड, जिस तरह हम कहते हैं ना लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है नजर आता है, लेकिन ऐसी फिर बॉलिंग का फायदा नहीं है कि जब आप डिलीवरी ना कर पाओ। लेकिन एक और चीज खुर्रम, एक और चीज ऐसे मैं कह रहा हूँ, पहला मैच है आप अभी एकदम से भी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों जो बॉलर खेल रहे हैं इस पीएसएल के अंदर नहीं छोड़े, इनकी थ्रू आउट पीएसएल की परफॉर्मेंस दो दफा इसमें कोई इस, एक और चीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना कोच तब्दील किया, माइक हैसन उनके कोच बने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की उन्होंने कोचिंग की थी 2022 में, और न्यूजीलैंड में है, और उन्होंने बड़ी जगहों पर जो है वो कोचिंग की हुई है माइक हैसन ने, तो उनकी आमद और फिर अजहर महमूद वहां मौजूद है डग आउट में, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का चले पहला मैच है लेकिन आगे इनका ये कॉम्बिनेशन, ये दिमाग जो है अपनी टीम को दोबारा से खड़ा करने में कामयाब हो सकता है। अच्छा इकबाल भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता, हो सकता मैं गलत हूँ और ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, जो दिख रहा है वो बोलना चाहिए, इस टीम में जब तक 11 की सिलेक्शन का क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये टीम डामकडोल रहेगी।
लास्ट टाइम भी ये बेस्ट टीम मेरी फेवरेट टीम थी क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, मगर इन्होंने जो प्लेइंग 11 थी ना वो पूरी इन्होंने हमेशा ऐसी रखी है जो कहीं ना कहीं झोल खाती थी जिसकी वजह से ये हारते थे। लेकिन आज तंदीर कैसे देखते हैं, आज प्लेइंग 11 आपको सही नजर आ रही है? इस्लामाबाद की मुझे अभी भी मिडिल ऑर्डर वीक लग रहा है मुझे। अरे सर क्या बात कर, रोमान रईस बिठा दिया वो इस मिडिल ऑर्डर बैठने वाला बॉलर ही नहीं है। बैटिंग के हिसाब से देखो मिडिल ऑर्डर क्यों वीक लग रहा है, आप देखें ना अगर शुरू करें कॉलन मनरो एलेक्सिस शादाब खान की बात करो आप देखें, नहीं आजम खान मेरा कहने का मकसद सही कह रहे हैं, मगर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तीन नंबर खेलेगा वो और दूसरी बात सुन ले अभी वो टीम से बाहर हुआ है उसको परफॉर्म करेगा वो तीन नंबर खेलेगा उसने पहले मैच में साइन दे दिया वो सही है वो सही है लेकिन बात ये है देखे जिस तरीके से ड्यूसन है ना या अब्दुल्ला शफीक जिस इस किस्म के जो मिडल मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होता है ना देखे कॉलिन मनरो तेज खेलने वाला प्लेयर है एलेक्स हेल भी टाइप का है लेकिन वो लेके चलता है लेकिन अगर शुरू में आउट हो गए ना आप देखना शादाब को भी प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है फिर सलमान है उसका वो पहली दफा इस टीम से मतलब वो है उसके बाद नीचे जाके आजम है कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो पूरा एक लेके चलने वालों इनको प्रॉब्लम जरूर होगी आगे इस पे हम मजीद बात करेंगे क्योंकि मैच तकरीबन खत्म होने वाला है और एलेक्स हेल्स की बात की जाते जाते आपको उनके हवाले से बताते चले कि 2004 में जो चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई थी जिसमें शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे तो एलेक्स हेल्स उस वक्त बहुत छोटे थे और उन्होंने शोएब अख्तर के साथ अपनी तस्वीर बनवाई थी वो तस्वीर हमने देखी सोशल मीडिया पे और अब एलेक्स हेल्स खुद खेल रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 में आपको दो टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ खुशामदीद कहते हैं और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच 8 विकेटों से जीत लिया, छक्का लगाकर कामयाबी हासिल की और गेंदें भी काफ़ी बच गई जिस और फिर विकटें भी सिर्फ दो ही गिरी तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का नेट रन रेट जो है वो और बेहतर होगा। क्या कहेंगे खुर्रम नेट रन रेट? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये जो स्मार्ट टीमें होती हैं या जो बोलती है ना कि आगे का सोच रही होती हैं उनमें ये छोटी छोटी जो होती है ना स्टेप इनको वो आराम से अबूर करते हैं, ये इनको आगे जब बिल्कुल वैसे तो अभी पहला जो हाफ ख़त्म होगा पाँच पाँच मैच वाला उसके बाद पोजीशन है मगर उसमें भी एंड पे दो टीमें अगर टाई होती हैं तो वो जो रन रेट बेहतर होता है वो आगे चली जाती है तो वो चीज़ धचका कहीं ना कहीं लगा रहता है फिर टीमें। ये टीम हमेशा मैंने इसको देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि ये हमेशा नेट रन रेट और थोड़ा सा ना इस चीज़ को ये छोटी छोटी। लेकिन अगर आप क्या देखते हैं कि दो मरतबा की चैंपियन टीम और इस तरह से ओपनिंग मैच में यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हार जाना, आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स पर अब प्रेशर होगा अगले मैचेस के लिए कि किसी तरीके से इम्प्रूव करें? एक तो राशिद खान का हमने इब्तिदा में जिक्र कर दिया कि वो मौजूद नहीं है लेकिन उनकी बॉलिंग को भी बेहतर होना होगा या नहीं आप समझते हैं? देखिए जब आप टॉप की बॉलिंग के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका लेवल ज़रा हाई हो जाता है ना कि पहला मैच है अच्छी टीम है दो दफ़ा की चैम्पियन है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है तो उनके खिलाफ अगर आप अच्छी विन होती है आपकी और इतनी अच्छी विन होती है कि आपका रन रेट भी अच्छा है विकेट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हुई तो कप्तान का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। एक तो उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर दिया 74 रन की उन्होंने इनिंग खेली सलमान ने 64 किए तो बात यह है कि आगे की जो टीम्स हैं उनके ऊपर फिर प्रेशर आता है कि यार इस्लामाबाद की टीम ने पहला मैच लाहौर को हरा दिया है लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हूँ।